हमारा एक सीसैट का मुद्दा है। हमारा मुद्दे को लेके सिविल सर्विस एस्पिरेंट फोरम में हमारा इशू जो है, एक सीसैट का पेपर लागू हुआ था 2011 में, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उस टेस्ट 2011 में उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर 2015 में उस पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया। इस दौरान 4 साल में बहुत सारे लोगों का अटेम्प्ट लॉस हो गया। हमारा गवर्नमेंट से यही डिमांड था, जो 2011 से 15 के बीच जितने ग्रामीण छात्र हैं, जितने रीजनल मीडियम छात्र हैं, जितने हिंदी मीडियम छात्र हैं, सबका जितना अटेम्प्ट लॉस हुआ है सबको कंपेंसेट कर दिया जाए। हमारे साथ जो इंजस्टिस हुआ है, 2011 साल से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ था यूपीएससी में और 2015 में उसे बस क्वालिफाइंग कर दिया गया। तो 2011 से 2015 साल तक हमने जो उसमें टाइम लगाया वो पूरा वेस्ट चला गया। और 2015 में जब वो क्वालिफाई किया, वो बस कुछ दिनों के अंदर, मतलब हमें ये समझा कि अब ये क्वालिफाई हो गया है, तो उसके लिए हमें बस जो हमारा टाइम गया है उसके लिए हमें एक कंपेंसेटरी अटेम्प्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हमें बस एग्जाम में बैठने के लिए और एक मौका चाहिए। जो इस पेपर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट इसको लागू होने के बाद इसका ग्रामीण छात्र और रीजनल मीडियम छात्र का कैसे परसेंटेज गिरा है, पहले 45% अराउंड 50% सिलेक्शन होता था, वहाँ से 17% 18% 12% 15% तक सिलेक्शन रेट आ गया। ये बहुत भारी नुकसान हुआ है। फिर आपका एक निकबेगर कमेटी का रिपोर्ट था, निकबेगर कमेटी का रिपोर्ट में खुद कहा है कि सीसैट वॉज बेनिफिशियल टू द बैकग्राउंड ऑफ द अर्बन मीडियम स्टूडेंट। सर, एक डेमोक्रेसी में जो तरीका होता है डेमोक्रेसी का, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये एक तरीका था हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का। कल हमने बहुत से पॉलिटिशियंस के घर भी गए लेकिन हमें धक्के मार के बाहर कर दिया गया और हम मजबूर हो गए इस मूवमेंट को यहाँ तक लाने के लिए। बाकी हमारी कोई डिमांड नहीं है, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ, वी रिस्पेक्ट आवर डेमोक्रेसी। हमें बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमें अटेम्प्ट दे दें क्योंकि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। चार बार चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हम लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। सारे कमीशन के रिकमेंडेशन है कि एडिकेट नोटिस आना चाहिए, बसवान कमेटी का रिकमेंडेशन है कि 1 साल पहले आप नोटिफाई कीजिए चेंजेस को, 2-2 महीने 1-1 महीने पहले, इन्होंने 4 साल में 5 बार चेंजेस किए हैं। हम लोग खेत बेच करके यहाँ पर आते हैं और इनके एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कई एमपीज ने, 100 एमपीज ने लिख करके दिया कि मोदी जी इन लोगों को अटेम्प्ट दे दीजिए। हम लोग अटेम्प्ट मांग रहे हैं, हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं। वी आर नॉट क्रिमिनल्स, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज।